परफेक्ट, आई मीन फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगा नवाब नेक्टर। नवाब को डेडिकेटेड करते हुए ये कॉकटेल, ये है किचन कॉकटेल सीरीज, जहां पर मैं वो सारा इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल कर रहा हूं जो आपको आराम से आपके किचन के कपबोर्ड में मिल जाएंगे, आपको बाजार जाने का भी ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत मस्त लगेगा। तो फ्रेंड्स आज बना रहे हैं नवाब नेक्टर, तो ये रहा वो इंग्रेडिएंट लिस्ट, एक बार देख लीजिए। चलिए बनाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉकटेल है इसको काइंड ऑफ हाई बॉल कॉकटेल आप बोल सकते हैं, जहाँ पर सोडा को इस्तेमाल किया जाते हैं एंड स्पेसिफिक एक ड्रिंक को इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पर मैं दो ड्रिंक इस्तेमाल करूँगा तो हाई बॉल नहीं बोलूँगा। तो कुछ अच्छे क्वालिटी आइस यहाँ पर डाल दीजिए, यू नो लॉट्स ऑफ आइस वुड बी गुड। देखिए थोड़ा सा पानी जम गया है तो मैं पानी थोड़ा निकाल लेता हूँ। हाँ तो ये देखिए फ्रेश आइस मिल गया है, और अब आपको देने पड़ेंगे अराउंड 60 ml ऑफ जिन, कोई भी ब्रांड चल सकता है, जो भी आपके पास है जैसा भी ब्रांड है आप दे दीजिए। तो मैं 60 ml जिन डाल रहा हूँ। जिन हो गया, अब इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि इसका नाम मैंने रखा है नवाबी नेक्टर, मजाक मजाक में रख दिए, आप भी लिखिए कि इसका नाम सही क्या होना चाहिए। हालांकि इंग्रेडिएंट्स के साथ यू नो नवाब का कोई ताल्लुक नहीं है, बट फिर भी तो मैं अभी रेड वाइन यूज़ करूँगा, और ये मैं इसलिए दूंगा क्योंकि कुछ हद तक इस कॉकटेल में ट्विस्ट डालने के लिए ये मदद करेगा और कलर भी ऐड करेगा। तो मैं 30 ml के करीब करीब रेड वाइन इसके अंदर में डाल दूंगा। बस अभी रेड वाइन डालने के बाद आपको देने पड़ेंगे सोडा जस्ट टॉप अप करने के लिए। तो आ गया है सोडा, अब इसको हम लोग डालेंगे अंदर में आराम से। तो कितना मस्त लग रहा है देखिए, है ना, काइंड ऑफ हाई बॉल मैं बोलूंगा, बट हाई बॉल में मोस्टली दो ही इंग्रेडिएंट्स चलते हैं जाते हैं, बट मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया वाइन के साथ। एंड देन मैं इसमें एक लाइम वेज अंदर में ऐसे डाल दूंगा, एंड स्ट्रॉ लगा के आप नवाब नेक्टर को सर्व कर सकते हैं। तो बन गया आपका कॉकटेल नवाब नेक्टर। आई होप कि आपको ये वीडियो, नहीं नहीं अभी नहीं बोलेंगे, पहले मैं पी लेता हूँ ना, फिर कैसे अभी कैसे बोल सकते हैं ना। परफेक्ट, आई मीन आप बोल सकते हो कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए और क्विकली कुछ बना के देना, तो आई बिलीव दिस वुड बी द अल्टीमेट चॉइस। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।